नमस्कार, गुड इवनिंग एंड वेलकम। देश के सबसे बड़े नेटवर्क पर आपके साथ मैं हूं मीना शर्मा। हम हमेशा कहते हैं कि खबर वो नहीं है जो बताई जा रही है, खबर वो है जो छुपाई जा रही है। लेकिन सच छुपता नहीं है, क्योंकि सच को सामने लाने के लिए हमारे साथी दिन भर कड़ी धूप और रात में काम करते हैं। उसी का नतीजा है कि दुनिया के दौलतमंदों ने अपनी तिजोरी की ताकत से कोख को उधार लेने की कोशिश की, लेकिन मुफलिसी के चलते कोख उधार देने वाली माताओं की सुध किसी ने नहीं ली। देर से ही सही, हमारे हुक्मरानों ने उनकी सुध ली। खबर हमने दिखाई, हमारे साथियों ने दिखाई, बार बार दिखाई। नतीजा ये हुआ कि विदेशी एनआरआईज से लेकर इसका अधिकार अब छीन लिया गया है। कानून का मुलम्मा ऐसी महिलाओं को ऐसे सितम से कैसे बचाएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन सारी मशीनरी के बावजूद सिस्टम लोगों को सैलाब के सितम से बचाने में नाकाम नजर आ रहा है। लेकिन शुरुआत करते हैं देश की बड़ी खबरों से। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर कर्नाटक से आ रही है। कर्नाटक के सबसे बड़े अधिकारी आज ईटीवी का कैमरा देखकर सीढ़ियों पर सरपट दौड़ते नजर आए। दरअसल कर्नाटक के मुख्य सचिव अरविंद जाधव सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा करने के आरोपों में फंसे हुए हैं, और जब ईटीवी के रिपोर्टर ने, हमारे सहयोगी ने उनका पक्ष जानने के लिए कोशिश की तो जवाब देने के बजाय वो भागने लगे, भागते नजर आए। मामले से नाराज मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने मुख्य सचिव पर लगे आरोपों की रिपोर्ट पेश करने के आदेश दे दिए हैं। आरोप ये है कि 2002 में 19 एकड़ सरकारी जमीन मुख्य सचिव ने अपनी मां के नाम से लिखाई थी। तो केंद्रीय कैबिनेट ने भी आज एक बड़ा फैसला लिया। सीमा पार से चली गोली का निशाना बनने वालों को 5 लाख का मुआवजा मिलेगा। नक्सलवाद के शिकार लोगों का मुआवजा भी सरकार ने 3 से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज हर मोर्चे पर दहशतगर्दी से मुकाबला करने का ऐलान किया। और अक्सर सुर्खियों का सबब बनने वाले रक्षा सौदे को लेकर सात समंदर पार से आई एक खबर ने भारत में भूचाल ला दिया। दिन भर फ्रांस की मदद से भारत में तैयार हो रही स्कॉर्पिन पनडुब्बी की टॉप सीक्रेट लीक होने की खबर सुर्खियों में रही, जिसकी वजह से नौसेना की सुरक्षा खतरे में पड़ गई है, पड़ सकती भी है आने वाले दिनों में। रक्षा मंत्री मनोहर ने इसे हैकिंग का मामला बताते हुए नेवी चीफ से इसकी जांच का जिम्मा सौंपा है। लेकिन पूर्व रक्षा मंत्री एके एंटनी ने सरकार की रक्षा नीति पर सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं आरोपों के घेरे में आई फ्रांसीसी कंपनी DCNS ने भारत पर ही लीक का ठीकरा फोड़ दिया है। ये खबर तब आई थी जब ऑस्ट्रेलिया के एक प्रमुख अखबार ने आज सुबह इसको प्रमुखता से जगह दी थी। उसके बाद रिपोर्टर ने ट्विटर के जरिए वो पूरी रिपोर्ट ट्विटर पे ट्वीट की थी, जो आज हमारे पास भी है। लेकिन कुछ ही देर बाद, कुछ घंटे बाद, बल्कि एक घंटे बाद ट्विटर से वो रिपोर्ट भी रिपोर्टर के ट्विटर से हटा दी गई। अगली खबर कश्मीर से। कश्मीर में लगातार गृह मंत्री की उपस्थिति के बीच भी पुलवामा में आज पुलिस टीम पर ग्रेनेड से हमला किया गया। पुलिस के 3 अधिकारियों समेत 15 लोग इसमें घायल हुए। हालांकि राजनाथ सिंह ने आज विपक्ष के नेताओं से लेकर अधिकारियों से मुलाकात की, और उसके बाद उमर अब्दुल्ला ने केंद्र सरकार की तारीफ की। और दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को बड़ी राहत मिल सकती है। आरएसएस पर दिए गए बयान पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई आज। राहुल गांधी की तरफ से वरिष्ठ एडवोकेट कपिल सिब्बल ने दलील पेश की। कोर्ट ने भी इस दलील को माना कि आरएसएस नहीं बल्कि आरएसएस के लोगों को गांधी ने मारा था। राहुल के उस वक्त के आरोप का ये मतलब निकाला जाना चाहिए। इस तरह की बात हुई। 1 सितम्बर को इस पर अगली सुनवाई होनी है। और कल आपने देखा था किस तरह से देश भर के बीजेपी के कोर कमेटी के लोग जुड़े थे दिल्ली में, नई दिल्ली में। और अब राज्यसभा सांसदों के लिए वर्कशॉप दिल्ली में की जाएगी। उच्च सदन में पार्टी के सारे सांसदों को इसमें शामिल होने की हिदायत दी गई है। वर्कशॉप में अमित शाह के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी भी शिरकत करेंगे। केंद्र सरकार की योजनाओं को घर घर पहुंचाने के लिए बीजेपी राज्यसभा सांसदों को भी जिम्मेदारी सौंपने की तैयारी कर रही है। तो वहीं राज्यों में होने वाले चुनावों के लिहाज से भी इस बैठक को, इस वर्कशॉप को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की बदहाली की एक और तस्वीर सामने आई। 2 दिन पहले से घोषित बीजेपी के विरोध प्रदर्शन को रोकने के लिए पुलिस ने आज लाठीचार्ज का रास्ता अपनाया। बीजेपी राज्य की खराब कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर विधानसभा के सामने प्रदर्शन के लिए जुटी थी, और सरकार ने विधानसभा के सामने धारा 144 लगाई। लेकिन जिस आरोप के साथ बीजेपी मोर्चे पर थी, राज्य सरकार वहीं पर चूक गई।
पूर्वी भारत और म्यांमार के कई इलाकों में आज शाम भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। तीव्रता 6.8 मापी गई। भूकंप का केंद्र म्यांमार के चाउक में था। भारत में पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों के साथ साथ पूर्वोत्तर के राज्यों में भी ये झटके महसूस किए गए। हालांकि कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। मध्य प्रदेश विधानसभा में भी जीएसटी विधेयक पास हो गया है। पास कराने के लिए विशेष सत्र बुलाया गया था। इस मौके पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जीएसटी बिल को अमलीजामा पहनाने में पिछली यूपी और वर्तमान एनडीए की सरकार का मिलाजुला योगदान है। और तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता को आज सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगी है। कोर्ट ने साफ कहा कि सार्वजनिक पदों पर बैठे लोगों को आलोचना से डरना नहीं चाहिए और हर आलोचक के खिलाफ अवमानना का मुकदमा भी नहीं। डीएमके नेता विजय कांत ने अदालत से शिकायत की थी कि विपक्ष की भूमिका निभाने वाले लोगों को राज्य सरकार परेशान करती है। मिड डे मील में लापरवाही करने वाले या भ्रष्टाचार करने वाले अब सावधान हो जाएं। याद होगा आपको 16 जुलाई 2013 को बिहार में मिड डे मील खाने से एक स्कूल के 23 बच्चों की मौत हो गई थी। इस मामले में बिहार के छपरा कोर्ट ने तत्कालीन प्रिंसिपल को गैर इरादतन हत्या का दोषी माना है। इस मामले में 1 सितंबर को सजा का ऐलान होगा। और रियो ओलंपिक में मेडल जीतने वाली पहलवान साक्षी मलिक अब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को आगे बढ़ाएंगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने उन्हें इस कैंपेन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। साथ ही देश का मान बढ़ाने वाली इस बेटी को 2.5 करोड़ की राशि का चेक भी सौंपा। स्वदेश लौटने के बाद साक्षी मलिक ने देशवासियों को भरोसा दिलाया है कि टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड जीतेंगी। खबरें देश में और भी है, बहुत सारी हैं, उनका भी रुख करेंगे, लेकिन इस वक्त बात करते हैं देश की सियासत की, जिसमें आज दिन भर भूचाल रहा तो उसकी वजह क्या रही। ऑस्ट्रेलिया के एक अखबार में छपी खबर, कैसे रक्षा सौदे हमेशा हमारे देश में सुर्खियां बनते रहे हैं। सात समंदर पार से आज भी ऐसी एक खबर आई जिसने हमारे देश में भूचाल ला दिया। ये खबर उन टॉप सीक्रेट्स के लीक से जुड़ी है जिससे भारतीय नौसेना की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। ऑस्ट्रेलिया अखबार ऑस्ट्रेलियन में छपी इस रिपोर्ट में वो सारी बातें सरेआम हो गई जिसे किसी देश की सेना अपने दुश्मनों के हाथ नहीं लगने देती है। युद्ध सिर्फ ताकत से नहीं जीते जाते, मैदान जंग में फतह के लिए छल सबसे बड़ा हथियार होता है। जाहिर है अगर दुश्मन आपकी ताकत और रणनीति जान ले तो आपकी सारी ताकत बेकार जाएगी। कुछ ऐसे ही सवाल से आज दो चार है भारतीय नौसेना, क्योंकि फ्रांसीसी कंपनी DCNS के साथ मिलकर भारत मुंबई के मंझ गांव में जिन 6 स्कॉर्पियन पनडुब्बियों के निर्माण में जुटा है उससे जुड़े टॉप सीक्रेट्स लीक हो गए। ऑस्ट्रेलियाई अखबार दी ऑस्ट्रेलियन ने पनडुब्बियों से जुड़े जो ब्यौरे छापे हैं उससे सरकार और नौसेना के हाथ पांव फूल गए। दी ऑस्ट्रेलियन के मुताबिक रिस्ट्रिक्टेड स्कॉर्पियन इंडिया लिखा हुआ 22,400 पेज वाला दस्तावेज लीक हुआ है। इस दस्तावेज में पनडुब्बी की युद्धक क्षमताओं की ऐसी जानकारियां मौजूद हैं जो उसके लिए खतरा बन सकती है। खुलासे से मची खलबली के बीच रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने नौसेना चीफ को इसकी जांच का जिम्मा सौंप दिया है। तो वहीं DCNS की सहयोगी कंपनी ने भारत पर ही लीक का ठीकरा फोड़ दिया है। हालांकि पर्रिकर ने इसे हैकिंग का मामला बताया है, लेकिन विपक्ष ने सरकार पर सवालों की बौछार कर दी है। चीफ ऑफ नेवी उनको बोला है कि वो पूरा विश्लेषण करे उसका क्या लीक हुआ है, हमारे बारे में उसमें क्या है। इफ द इंफॉर्मेशन अबाउट द लीक इज ट्रू, it is a matter of serious concern. So first of all, we must find out is the information true. सरहद पर पाकिस्तान और चीन की नापाक हरकतों के बीच ऐसे खुलासों पर सियासत तो होगी, लेकिन आइए जानते हैं आखिर ये लीक हमारे लिए कितना बड़ा खतरा है। दी ऑस्ट्रेलियन के मुताबिक जो जानकारियां लीक हुई हैं, उनमें पनडुब्बी के अंडरवाटर सेंसर्स, पानी के ऊपर सेंसर्स, युद्ध प्रबंधन प्रणाली, टारपीडो लॉन्च प्रणाली और ब्योरे, संचार प्रणाली और नौवहन प्रणाली शामिल है। इन सारी जानकारियों के बारे में पता चल जाने के बाद पनडुब्बी की सुरक्षा पूरी तरह खतरे में पड़ सकती है। ये खुफिया दस्तावेज जिस किसी के हाथ लगेंगे उसे पनडुब्बियों के बारे में हर जानकारी मिल जाएगी।
मसलन ये किस रफ्तार से चल सकती है, कितनी आवाज करती है, मास्ट को किस रफ्तार तक उठाया जा सकता है। इन जानकारियों का लीक होना इसलिए भी खतरनाक है क्योंकि स्कॉर्पियन पनडुब्बियां अपनी क्लास में फिलहाल दुनिया की सबसे एडवांस्ड पनडुब्बियां हैं। पानी के अंदर ये इतनी खामोशी से आगे बढ़ती हैं कि इनकी स्थिति का पता लगा पाना लगभग नामुमकिन होता है। लेकिन दस्तावेजों के लीक होने के बाद अब जब इनकी सोनार क्षमता, आवाज और युद्ध संबंधी क्षमताएं उजागर हो जाएंगी, अगर ये जानकारियां पाकिस्तान या चीन जैसे भारत के प्रतिद्वंदी देशों के हाथ लग गई, तो बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। फिलहाल इस बात को लेकर संशय बना हुआ है कि दस्तावेज भारत में लीक हुए या फ्रांस में। रक्षा मामलों के जानकार इस लीक को कॉर्पोरेट वॉर का नतीजा मान रहे हैं। इस लीक से अब DCNS के पनडुब्बी प्रोजेक्ट पर भी सवालिया निशान लग गए हैं। DCNS को अगली पीढ़ी की पनडुब्बियों के लिए भारत समेत दुनिया भर से करीब 38.06 बिलियन डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है। भारत के पास 13 पनडुब्बियों का बेड़ा है जिसमें से केवल आधा दर्जन ही चालू हालत में है। हिंद महासागर में नौसेना की ताकत के मामले में भारत और चीन के बीच भारी अंतर है। जाहिर है स्कॉर्पियन पनडुब्बी इस फासले को कम कर सकती है। कहते हैं कि जंग में सब जायज है। 18 दिन के जिस महाभारत को धर्म युद्ध कहा गया, वहाँ भी अधर्म और छल का बोलबाला रहा। ऐसे में हम दुश्मन देशों से नैतिकता और मर्यादा की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? जाहिर है इस लीक ने स्कॉर्पियन पनडुब्बियों की परियोजना पर ही सवाल खड़े कर दिए। देश की बात के लिए ETV नेटवर्क। और ETV के पास वो रिपोर्ट है जिस रिपोर्ट का जिक्र किया जा रहा है, किस तरह से खुलासा पूरे देश के सामने, दुनिया के सामने हो चुका है। बहरहाल हम आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे अगली खबर का। विज्ञान ने हमें बहुत कुछ दिया। आसमान में उड़ते जहाज हो या फिर कंप्यूटर में सिमटी दुनिया, मशीनों की ताकत ने रिश्तों में भी दस्तक दी। तो एक नाम पिछले कुछ सालों में सुनने को मिला, सैरोगेसी। यानी अगर कोई महिला बच्चे को जन्म नहीं दे सकती तो कोई दूसरी महिला उसी के बच्चे को जन्म दे सकती है। जीन्स पति और पत्नी दोनों के होंगे लेकिन कोख किसी और महिला की। ये शुरुआत हुई थी रिश्तों में मिठास घोलने के लिए, लेकिन नाम आगे चला तो सैरोगेसी किराए की कोख बन गई। ताकतवर लोगों ने विज्ञान का खुलकर दुरुपयोग किया, लेकिन आज देश की सरकार ने उन सबको बड़ा जवाब दिया है। के नाम पर शुरू की गई थी, वो अब शौक बन गई है। किसी का घर किलकारी के बिना सूना न रहे, इसके लिए सैरोगेसी यानी किराए की कोख का चलन शुरू हुआ था। लेकिन आधुनिकता के इस दौर में किराए की कोख का भी व्यापार किया जाने लगा। कुछ लोग पैसे की खातिर अपनी जान जोखिम में डालकर दूसरे के बच्चों को अपने कोख में पालने लगे, तो कुछ अवसरवादियों ने इसे अपना उल्लू सीधा करने का मौका मान लिया, जिसमें ना बच्चों की परवाह की जाने लगी न सैरोगेसी मदर की। लिहाजा इस अनैतिक काम पर पाबंदी लगाने के लिए केंद्रीय कैबिनेट ने सैरोगेसी नियमन विधेयक को मंजूरी दे दी है। जो पूरे समूह का मत बना वो ये बना कि कमर्शियल सैरोगेसी को बैन करो और एल्ट्रिस्टिक सैरोगेसी को कुछ शर्तों के साथ स्वीकार करो। सैरोगेसी नियमन विधेयक में भारत को बेबी फैक्ट्री हब बनने और गरीब महिलाओं के कोख का कारोबार करने से रोकने के लिए कई सख्त कदम उठाए गए हैं। सैरोगेसी का अधिकार केवल भारतीय नागरिक को, किसी NRI और OCI होल्डर को यह अधिकार नहीं। शादी के 5 साल बाद विवाहित जोड़ों को मिलेगा यह अधिकार। सैरोगेसी के लिए रिश्तेदार होना जरूरी। सैरोगेसी चाहने वाले दंपति के पास मेडिकल अनफिट का सर्टिफिकेट भी जरूरी है, जो ये बताता है कि दंपति संतान पैदा करने में असमर्थ है। इसके साथ ही बिल में सरोगेट मदर बनने वाली महिलाओं के लिए भी कुछ पैमाना तय किया गया है। बिल के मुताबिक वही महिलाएं सरोगेट मदर बन सकती हैं जो विवाहित हो और एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे चुकी हो। इसके बावजूद महिला को केवल एक बार ही सरोगेट मदर बनने का अधिकार होगा। अविवाहित महिला को सरोगेट बनने पर पाबंदी लगाई गई है। इसके साथ ही सैरोगेसी क्लिनिक का रजिस्टर्ड होना जरूरी बनाया गया है। साथ ही सैरोगेसी क्लिनिक पर सैरोगेट मदर और चाइल्ड की अनदेखी करने पर कम से कम 10 साल की सजा और 10 लाख के जुर्माने का प्रावधान भी किया गया है। इसे सख्ती से लागू करने के लिए नेशनल लेवल पर नेशनल सैरोगेसी बोर्ड और राज्य स्तर पर स्टेट सैरोगेसी बोर्ड का गठन किया जाएगा।
बिल के प्रावधानों को बताने के साथ ही सुषमा स्वराज ने सीधा सीधा बॉलीवुड के दो स्टार आमिर खान और शाहरुख खान पर निशाना साधा। आमिर खान के दो बच्चे जुनैद खान और इरा खान पहली बीवी रीना दत्ता से हैं, लेकिन रीना से तलाक के बाद आमिर ने किरण राव से शादी की। दोनों ने सरोगेसी का सहारा लिया, इससे आजाद राव खान का जन्म हुआ। शाहरुख खान और गौरी खान ने भी दो बच्चों के रहने के बावजूद तीसरे बच्चे के लिए सरोगेसी को अपनाया, इससे अबराम का जन्म हुआ। जिनका अपना बच्चा एक नहीं दो दो हैं और बेटा और बेटी दोनों हैं, तो भी उन्होंने सरोगेट चाइल्ड किया है। तो ये जरूरत के लिए तो है अनुमति, शौक के लिए नहीं है। सरोगेसी की आड़ में कोख के व्यापार, गरीब महिलाओं के शोषण को रोकने की दिशा में सरकार का ये कदम काफी अहम है। एक अरसे से सरोगेट मदर उनसे पैदा हुए बच्चों के साथ उपेक्षा की शिकायतें सामने आ रही थी, लिहाजा देर से ही सही, लेकिन सरकार ने दुरुस्त कदम उठाया है। देश की बात के लिए ईटीवी नेटवर्क। देश की बात में यहाँ एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, वापस आएंगे तो देश की कुछ और खबरें आपके साथ में होंगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। उत्तर भारत के तीन राज्य भीषण बाढ़ की त्रासदी झेल रहे हैं। मध्य प्रदेश से शुरू हुआ बाढ़ का तांडव यूपी और बिहार से होता हुआ अब पश्चिम बंगाल में दस्तक दे रहा है। देखिए किस कदर परेशान है आम आवाम हर राज्य की। यहां पर उत्तर भारत के कई राज्यों से पिछले कई दिनों से बाढ़ की कुछ ऐसी ही तस्वीरें लगातार आ रही है। पहले मध्य प्रदेश, फिर राजस्थान, फिर बिहार और यूपी, और अभी पश्चिम बंगाल बाढ़ से त्राहिमाम कर रहा है। मध्य प्रदेश का 60% हिस्सा बाढ़ की चपेट में है। बाढ़ प्रभावित 15 जिलों में रीवा और सतना के हालात बहुत खराब हैं। नर्मदा, केन और चंबल, क्षिप्रा, पार्वती, काली सिंध, नेवज और पद्मावती नदियां उफान पर हैं। सड़कों और रास्तों पर पानी भरा हुआ है, गांव टापू में तब्दील हो गए हैं। अब तक करीब 90 लोगों की मौत हो चुकी है, 1,00,000 से ज्यादा मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं और हजारों एकड़ फसल चौपट हो चुकी है। बाढ़ से मध्य प्रदेश को कई हजार करोड़ का नुकसान भी हुआ है। बारिश, बाढ़ और बर्बादी में दूसरे नंबर पर बिहार है, जहां प्रदेश के 12 जिले बाढ़ प्रभावित हैं। बक्सर, भोजपुर, पटना, वैशाली, सारण, बेगूसराय, समस्तीपुर, लखीसराय, खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर और कटिहार में 23,00,000 लोग प्रभावित हुए हैं। गंगा और सोन नदी अधिकांश स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बाढ़ प्रभावित इलाकों से 1,50,000 से ज्यादा लोगों को निकाला गया है। 179 राहत शिविर लगाए गए हैं। वहीं बाढ़ प्रभावित इलाकों में 1,500 से ज्यादा नाव चलाई जा रही है। राहत बचाव के लिए NDRF, SDRF की टीमें लगी हुई है। यहां अब तक 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, कई हजार एकड़ फसल पानी में डूब चुकी है। नेपाल, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड के सीमावर्ती इलाकों से छोड़े गए पानी ने यूपी में नदियों का जल स्तर बढ़ा दिया है। गंगा, यमुना, सरयू, शारदा समेत नदियों के बड़े जल स्तर ने प्रदेश के 15 जिलों में बाढ़ ला दी है। इलाहाबाद, मिर्जापुर, वाराणसी, गाजीपुर, बलिया, बांदा, हमीरपुर और नैनी के कई निचले इलाकों में पानी भर गया है और लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। राजस्थान के जोधपुर, पाली, उदयपुर, प्रतापगढ़ और हाडोती के इलाकों में बाढ़ के हालात दिख रहे हैं। गंभीरी नदी से चित्तौड़गढ़ की कई कॉलोनियों में पानी भर गया। इधर असम में भी बाढ़ की वजह से सैकड़ों गांव मुख्य मार्ग से कट गए हैं। पश्चिम बंगाल के बर्धवान में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में पानी भर गया। बाढ़ की वजह से एक और घरों में लोग कैद हैं, वहीं राहत बचाव की टीमें पहुंचने के बावजूद चोरी की वजह से घर नहीं छोड़ने को मजबूर है। बाढ़ की वजह से कई इलाकों में बीमारियां फैलने का खतरा भी मंडराने लगा है। ऐसे में राहत बचाव में जुटी NDRF और राज्य सरकारों की टीमों के सामने फूड पैकेट्स, मेडिसिन, साफ पानी की सप्लाई की चुनौती और बढ़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। क्रिकेटर, कॉमेडियन, कमेंटेटर और अब शातिर नेता, ये तारीफ है उस नवजोत सिद्धू की, जिनकी गूगली से बीजेपी बोल्ड हुई है तो अब आम आदमी पार्टी की बोलती भी बंद हो चली है। सियासत का सिक्सर मार शेरी पाजी ने सुरमाओं के अक्ल ठिकाने ला दिए हैं। आपके बाद अब पंजाब के कैप्टन साहब ने सिद्धू को उप कप्तानी का ऑफर दे दिया है, लेकिन बात बात में शेर दागने वाले सिद्धू ने अपनी चुप्पी से पॉलिटिकल पंडितों को भी बेचैन कर दिया है। एक अनार
100 बीमार। पंजाब के सियासी रण में सिद्धू किसकी रथ पर सवार होंगे ये खुद सिद्धू को भी पता नहीं, लेकिन पिछले 2 महीने से पंजाब की सारी पार्टियां उनके लिए लाड टपका रही हैं। पंजाब कांग्रेस के मौजूदा कप्तान और मुख्यमंत्री के अघोषित उम्मीदवार कैप्टन अमरिंदर ने तो सिद्धू का डीएनए टेस्ट भी कर लिया। नवजोत सिंह जी के फादर हमारे डीसीसी प्रेसिडेंट रहे, हमारे एडवोकेट जनरल रहे, साथ भगवान सिंह जी हिज मदर बोथ ट्वाइस फॉर पटियाला, इनकी सीट जो है डकारा सीट 2 बार वो लड़े हैं। सो ही इज नॉट डीएनए ऑफ द कांग्रेस इन हिम एंड आई सेड ही इज वेलकम इफ ही वांट्स टू कम। 18 जुलाई को जब सिद्धू ने राज्यसभा से इस्तीफा दिया तो हर कोई यही कह रहा था कि वो अब पंजाब में आपके कप्तान बनेंगे, लेकिन कई लोगों से झाड़ू लगवा कर उन्हें बाहर का रास्ता दिखाने वाले केजरीवाल ने सिद्धू को भी सीएम पद देने का वादा नहीं किया। बातें पहले से चल रही थी, बाद में भी हुई, लेकिन केजरीवाल ने सिद्धू को वो नहीं दिया जिसके खातिर उन्होंने बगावत का बिगुल फूका और आला कमान को हैरान करते हुए बीजेपी को क्लीन बोल्ड कर दिया। सूत्रों की माने तो केजरीवाल खुद पंजाब के मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं, लिहाजा वो सिद्धू को सब कुछ दे सकते हैं लेकिन इस पद का वादा नहीं। केजरीवाल की दूसरी मुश्किल उनके अंदर खाने की है। पंजाब की आप इकाई के ज्यादातर नेता सिद्धू की एंट्री नहीं चाह रहे, लिहाजा अगर केजरीवाल ने सिद्धू को डिप्टी सीएम देने का प्रस्ताव दे भी दिया तो भगदड़ मचनी तय है। केजरी के इस उहापोह को कैप्टन अमरिंदर ने भाप लिया और सिद्धू के लिए कांग्रेस के दरवाजे खोल दिए। हालांकि कैप्टन अमरिंदर के खुले ऑफर के अलग अलग मायने हो सकते हैं, लेकिन सूत्रों की माने तो कैप्टन अमरिंदर ने सिद्धू को डिप्टी सीएम का पद देने की पेशकश कर दी है। मैंने तो कहा है, मैंने ओपन इनविटेशन दिया, वो अपनी पार्टी बनाए ला रहा है। कैप्टन अमरिंदर का ये ऑफर ना तो व्यक्तिगत है ना ही पंजाब कांग्रेस का। सूत्रों की माने तो कांग्रेस आला कमान ने कैप्टन को इस बात के लिए अधिकृत कर दिया है कि वो सिद्धू को कांग्रेस कुनबे का हिस्सा बनाने की कोशिश तेज कर दें। सूत्रों के मुताबिक इस ऑफर वाले पैकेज में नवजोत सिद्धू को डिप्टी सीएम और उनकी पत्नी नवजोत कौर सिद्धू को लोकसभा की सीट देने का वादा किया गया। कांग्रेसियों ने सिद्धू से कहा है कि अगर अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री बनते हैं तो उनकी लोकसभा की सीट खाली हो जाएगी और इस सीट का टिकट उनकी पत्नी के हवाले कर दिया जाएगा, लेकिन कैप्टन अमरिंदर और पंजाब की पॉलिटिक्स की रग रग से वाकिफ सिद्धू इस ऑफर को कबूल करेंगे या नहीं ये कोई नहीं कह सकता। जानकारों की माने तो सिद्धू सिर्फ उसी पार्टी का दामन थामेंगे जो उन्हें सीएम कैंडिडेट बनाने का ऐलान कर दे। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। बिहार के सूबे के हर बच्चे तक शिक्षा की लौ पहुंचाने का दावा सरकार करती है, लेकिन मधुबनी के उच्च विद्यालय का हाल इन दावों को मुंह चिढ़ा रहा है। कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। देश के करोड़ों खेल प्रेमियों को ये तस्वीरें झकझोर देंगी। ओलंपिक में गोल्ड मेडल नहीं मिल पाने से हुई निराशा को और बढ़ा देंगी। इन तीनों तस्वीरों को आप देश में खिलाड़ी बनाने का लिटमस टेस्ट समझिए। जिसे तीरंदाज बनना है वो टॉयलेट में निशाना साध रहा है, जिसे तैराक बनना है वो नहर के गंदे पानी में छलांग लगा रहा है, और जिसे हॉकी खिलाड़ी बनना है वो स्टेडियम के बजाय खेत में प्रैक्टिस कर रहा है। खेल के लिए सरकार बजट में तो करोड़ों का ऐलान करती है, लेकिन तैयारी के ग्राउंड जीरो पर वो जीरो ही है। ग्राउंड का दिक्कत है, पहले इस ग्राउंड में हम लोग प्रैक्टिस करते थे, ग्राउंड का सत्यानाश हो गया है पूरा, और टॉयलेट के सामने बटर्स लगाए हैं और टॉयलेट के सामने से करते हैं। पर ग्राउंड का दिक्कत है, ग्राउंड नहीं मिलता है, हम लोग यहाँ टॉयलेट के सामने करते हैं प्रैक्टिस, और यही 50-30 सब नहीं खेल सकते हैं, बस 20 खेलते हैं। हालात आपके सामने हैं, लेकिन इतनी बुरी व्यवस्था के बावजूद खिलाड़ियों का जज्बा कम नहीं होता। बदबू और कान पाड़ू शोर के बीच अर्जुन बनने की ट्रेनिंग जारी है, खेत में हॉकी के मेडल खिल रहे हैं और मटमैले पानी में गोते लगाकर गोल्ड मेडल तलाशा जा रहा है। मेरे बच्चे नहीं, हाँ तो साई से प्रश्न किया जाए, सर ऐसा संभव नहीं है कि 200 गेम जो है ना, 200 गेम का सारा का सेंटर रांची में हो, ये जरूरी नहीं है कि राजधानी में ही सारे सेंटर हों। अगर खिलाड़ी हमारा सरायकला खरसावा में है तो केंद्र सरायकला खरसावा में होगा, खिलाड़ी अगर दुमका में है तो केंद्र दुमका में होगा, कुमारडुंगी में होगा, चंदन क्यारी में होगा।
झारखंड में खेल से कैसा खिलवाड़ हो रहा है यह बताने की जरूरत नहीं। गोल्ड के अरमानों को गुड़गोबर करती इन तस्वीरों के बाद जो खेल से तौबा करेगा यकीनन वो पढ़ाई करेगा, लेकिन शिक्षा के हालात की एक बानगी भी देख लीजिए। सर्व शिक्षा अभियान को मुंह चढ़ा की ये तस्वीर एमपी के मंडला जिले की है, जहाँ छत बिन छात्र अधूरे, जहाँ छाता बिन छात्र अधूरे हैं, क्योंकि छत ना सिर्फ टपकती है बल्कि टूटकर गिरने को बेकरार है। बारिश की एक भी बूंद बाहर नहीं जाती, क्लासरूम तालाब में तब्दील हो जाता है। लेकिन परेशानी सिर्फ क्लासरूम में नहीं है, स्कूल तक पहुँचने का रास्ता भी अपने आप में किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं। मंडला जिले में 13 ऐसे विद्यालय हैं जो कि भवन विहीन हैं, उन पर हम कार्यवाही करने जा रहे हैं। 108 विद्यालय ऐसे हैं जिनकी राशि हम सर्व शिक्षा अभियान से जारी किए थे, किंतु सरपंच और सचिव के द्वारा वो राशि आहरित कर ली गई है और काम नहीं कराया जा रहा। 16 साल की हो चुकी इस 21वीं शताब्दी में भी इस जिले में 13 स्कूल ऐसे हैं जहां बिल्डिंग नहीं, तो सोचिए पूरे सूबे में कितने होंगे और देश में कितने। क्या ऐसे हालात में ही स्कूल चले बच्चे? क्या यूं ही सर्व शिक्षा अभियान परवान चढ़ जाएगा? इस आधुनिक दौर में पीएम साइंस पर जोर देने की बात करते हैं। दुनिया के पटल पर भारत को आगे लाने के लिए वैज्ञानिक बनाने की मुहिम छेड़ने की बात होती है, ओलंपिक में मेडल लाने की बात होती है, लेकिन सच्चाई ये है कि चाहे पढ़ाई लिखाई हो या फिर खेल कूद, दोनों ही डगर पर मंजिल अभी कोसों दूर है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। देश की बात में यहाँ एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, वापस आएंगे तो देश की कुछ और खबरें आपके साथ में होंगी। देश की बात बेटियों के सम्मान के बिना अधूरी है। आज आपको मिलवाते हैं लखनऊ की अनन्या वर्मा से। विलक्षण प्रतिभा की धनी इस बेटी को महज 4 साल की उम्र में 9th क्लास में दाखिला मिला है। गौर करिएगा, बाकायदा अनन्या ने टेस्ट भी पास किया है इसके लिए। इनका दिमाग बाकी छात्रों से कितना तेज है आप अंदाजा लगा सकते हैं। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम इनका दर्ज हो चुका है। इनकी बहन 15 साल की उम्र में माइक्रोबायोलॉजी में डॉक्टरेट कर रही है। भाई 14 साल की उम्र में BCA कर चुका है। ध्यान दीजिएगा, BBAU में असिस्टेंट सुपरवाइजर पिता की इस बेटी, माँ को पढ़ना नहीं आता है, लेकिन बेटे और बच्चे कैसे पिता का माँ का सम्मान बढ़ा रहे हैं, और ये छोटी सी बच्ची IAS बनने का सपना देख रही है। देश की बात में आज मेरे साथ इतना ही, लेकिन इस कार्यक्रम को अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल पर देख सकते हैं, Facebook पर लाइव देख सकते हैं 9:00 हमारे साथ साथ, हमारे प्रदेश टीम की वेबसाइट पर अपने सुझाव दे सकते हैं, अपने आसपास की खबरों को हमसे साझा कर सकते हैं। इस वक्त मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।